Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. चकाई के पूर्व विधायक व निर्दलीय प्रत्याशी सुमित कुमार सिंह का एक भाषण है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उनको टिकट नहीं मिलने के बाद वो जो है निर्दलीय चकाई के मैदान में उतर गए हैं और लोगों के बीच जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। उसी के दौरान जिस तरीके से चौकी पर खड़े होकर उन्होंने जो स्पीच दिया है वो आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। बड़े बड़े पैराशूट नेताओं की जो हाल होगी चुनाव के बाद, उसके बाद से आईसीयू खाली कराना पड़ेगा। ऐसे जब स्पीच दिए तो तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। वहीं अगर हम बात करें तो नवरात्रि के दौरान जिस तरीके से उनको शेर का सिंबल मिला है, तो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि वो माता जो है पूर्ण रूप से हमारे ऊपर आई हैं और इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम अब जीतने जाने वाले हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि छोटा आदमी हूँ और छोटे के बीच रहता हूं, जबकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। खुद देखें वीडियो और हमें कमेंट पर जरूर बताएं। कैसे पड़ेगा? परजीवी को लाइएगा, बाहरी आदमी को लाइएगा, टिकट वाला को चुनिएगा, बड़ा बड़ा नेता हम पे चुनिएगा। भाई देखिए, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े नेताओं की बड़ी बड़ी पार्टी, बड़ी बड़ी पार्टी, हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं तो पता नहीं कब दगा दे जाए, कब छल दे, कब हम लोग के उम्मीद को उम्मीदों पे पानी फेर दे, ये कोई नहीं जानता है। क्योंकि हम लोग छोटे आदमी, छोटे आदमी इसलिए हैं क्योंकि हम आपके बीच में रहते हैं, हम आपके बीच में रहते हैं इसलिए हम छोटे आदमी हैं। हम रोड पे रहते हैं, गरीबों के बीच में रहते हैं, दलितों के बीच में रहते हैं, मुसलमानों के बीच में रहते हैं। आप सबके बीच में रहने के कारण हम छोटे आदमी बना रहे हैं, छोटे लोगों को। आजकल तो बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है भाई, स्टार पैराशूट, पैसा देख के आजकल टिकट का लेन देन होना शुरू हो गया है। राजनीति का यहाँ तक गिर गया सर, सब नेतवा चोर है। पब्लिक भी आम बड़े आराम से बोलती है, सब नेतवा चोर है, बात भी सत्य है। चोर उचक्कों को टिकट दिया जाता है तरह तरह की पार्टियों से, ये सच्चाई है। जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं, उनको पार्टी में उनका उचित मुआवजा नहीं मिलता है। उसी का नतीजा निकला कि दुर्गा पूजा आ रहा है, फल स्वरूपी हमको सेब मिल गया, माँ का कृपा। तुम लाख तीर चलाओगे, माँ फल देगी, वो भी सेब के रूप में। और ये सच्चाई है, आप देख लीजिएगा 10 तारीख को जब पिटारा खुलेगा, हमको लगता है उस दिन अस्पताल का आईसीयू खाली करना पड़ेगा। एक नहीं कई एक अटैक आने वाले हैं। मैं जहां जा रहा हूं, जनता का जो अपार समर्थन, जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, मैं अपने आप में अभिभूत हूं। मैं बता नहीं सकता, लोग कहते हैं जात के नाम पे टिकट मिल जाएगा, धर्म के नाम पे टिकट मिल जाएगा। टिकट तो तुम ले लोगे, पैसे से ले लोगे, लेकिन सर्टिफिकेट कैसे लोगे? सर्टिफिकेट तो जनता देगी। सर्टिफिकेट जनता देती है, ना कि टिकट दे बड़े बड़े नेता। आप लाख कोशिश कर लो, इस बार जो चकाई की जनता है वो मिसाल बनाने जा रही है, वो रिकॉर्ड बनाने जा रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग का आशीर्वाद, आप लोग का बनाया हुआ रिकॉर्ड इस बार आपके बेटा को बिहार लेवल का एक नेता बना। हम कोई राजा महाराजा के बेटा बेटी नहीं, कोई राजा महाराजा हमारे बाप दादा नहीं थे। हमारे बाप दादा भी आपके बीच में वैसे ही रहते थे जैसे हम रहते हैं। हम थोड़ा कम भी मेहनत करते हैं, वो हमसे ज्यादा मेहनत किया करते हैं, क्योंकि हमको पता है, हम सुनते हैं अपने से नहीं। देखिए बुजुर्ग लोग हैं, आज भी बताते हैं वो लोग, मेरा गांव पकड़ी भोड़, भोड़ के बाद पहले भोड़ था, उसके बाद पकड़ी हो गया, पकड़ी से वो लोग पैदल बामदा तक चले आते थे। आज तो हम लोगों के पास लग्जरियस गाड़ियां हैं, हम उन गाड़ियों पे चढ़ के भी लगता है जनता के बीच में जा रहे हैं तो एहसान कर रहे हैं। आज के नेताओं का ये
बड़ा इनके दिमाग में फितरत बैठ गया है। और ये सच्चाई है, कोई विधायक बनता है, सांसद बनता है, तो उसको ये दायित्व निभाना पड़ेगा। जैसे कोई शिक्षक, सरकारी शिक्षक, जिसकी जो ड्यूटी होती है कि जब वो पढ़ाने जाता है, जब उसकी नौकरी लगती है तो वो पढ़ाने जाता है। एक पुलिस वाला जब वो वर्दी पहनता है तो वो पुलिस का काम करता है, उसका एक ड्यूटी है। वैसे ही जो विधायक बनता है, जो सांसद बनता है, जो मुखिया बनता है, या जो भी प्रतिनिधि बनता है, उसका ये दायित्व है कि जनता आपको विश्वास करती है, जनता को आप विश्वास बनाए रखिए, जनता का विश्वास बनाए रखिए और जनता सर आंखों पे रखेगी। वो जमाना जाने वाला है, पैसा कौड़ी वाला और सब सॉलिड वाला। एक होता था जमाना कि सब सॉलिड। गलत बोल रहे हैं हम आपके बीच के हैं। जो आप महसूस करते हैं वो हम भी महसूस करते हैं। आप ठगे जाते हैं तो हम भी ठगे गए। हम आपके बीच के हैं, जैसे आपके साथ होता है वैसा मेरे साथ भी बीता है, और हम भी युवा हैं। ये जनप्रतिनिधियों का दायित्व बनता है कि अगर आप आ रहे हैं राजनीति में तो सिर्फ ऐश मौज करने के लिए मत आइएगा। और जनता से भी करबद्ध विनती है कि पार्टी मत देखिएगा, पौआ मत देखिएगा, राजा रानी के बेटा बेटी को मत देखिएगा। देखना है तो अपने बीच में रहने वाले नेता को देखिए, वो भी वैसे नेता को जो बेटा बन के आपके बीच में रहता है। नहीं तो चुनाव का समय है, बहुत चिकनी चिकनी चुपड़ी चुपड़ी बातें की जाएंगी, बहुत बड़ा बड़ा शब्द बाग दिखाया जाएगा, फिर चुनाव के बाद फोन का भी पता नहीं चलेगा और फोन नंबर ढूंढते रह जाइएगा। इसलिए अपने बीच के लोगों को चुनना, तभी आपका भी भला होगा और जो सेवा करता है वो भी आपके बीच में बना रहेगा। बस यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप तमाम लोगों को मेरा प्रणाम, सलाम, जय हिंद, जय भारत। बीके सिंह जिंदाबाद, 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 छात्र जिंदाबाद, 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 सिंह जिंदाबाद, 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 छात्र जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छी छाप की है हमार, कौन छाप है हमार, बोलो ना। हाँ कैसे बोलो तने फिर से, बच्चा सब कौन छाप है, सब लोग बोलिए कौन छाप है। आपका बटन कहाँ दबेगा, आपका बटन कहाँ दबेगा, आपका बटन कहाँ दबेगा। चलिए सेम का रिकॉर्ड ऐसा बने कि पूरे बिहार में बने। सेम का रिकॉर्ड बन चुका है पहले से। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.